कमेंट आया है वो शॉर्ट में ऐड करना, मतलब मेंशन करूँगी कमेंट्स के थ्रू, पिन कर दूंगी कि किस शॉर्ट्स पर, तो नाम नहीं लूंगी किसने क्या कहा, बट गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी व्लॉग्स। तो अभी हम चलते हैं पूजा करने, क्योंकि डुल्लू अकेला नीचे, फटाफट से मैं पूजा करती हूँ। माँ है नहीं, माँ भागवत में कहीं हुई, रेडी वर्किंग हाई वर्किंग। डुल्ला आ रहे हैं बेटू, अब इनसे प्यार से बात करो तो ये और भौंकते हैं, इनके साथ ये बड़ी दिक्कत है। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो जी हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। हे प्रभु, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। पूजा करने भी नहीं जाऊं क्या डुल्ला, आप ये बताओ जरा। हाँ मैं पूजा करने गई हुई थी ना, बोल के गई थी, आप क्यों नहीं फिर शांत बैठते हो, क्यों क्यों नहीं बैठते हो शांत, जब मैंने बोला कि मैं पूजा करने गई हूँ। आओ चलो अंदर, बस बैठ गए। तो जी मैं तो अपना नाश्ता ले रही हूँ, मैं बना रही हूँ अपना दूध, बहुत ही हल्की पत्ती डालूंगी मैं, मतलब इतनी सी डालती हूँ, उसमें थोड़ा सा अदरक डालती हूँ बस, और चीनी, दैट्स इट, ताकि मेरे को ना थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि मेरे को प्रोटीन वाला दूध नहीं पीना, क्योंकि मेरे को ब्रेड भी खानी है, ब्राउन ब्रेड, और अपने जवे भी खाने हैं, तो मैंने ये वाला दूध लिया। अब मैं सोच रही हूँ प्रोटीन वाला मैं थोड़े टाइम बाद दूँगी, दवाइयाँ भी मैं इसी से खा लूँगी। ये है हमारा नाश्ता टाइम, अभी नाश्ता करते हैं क्योंकि अब भूख लग गई है बहुत जोरों की। माँ अभी तक भी नहीं आई हैं, थोड़ी देर में आएंगी, क्योंकि माँ का कॉल आ गया अभी, मैं भागवत का वो होता है ना परिक्रमा वगैरह कुछ, तो वो कर रही है माँ। तो दोस्तों अभी आने वाली हैं चाची, क्योंकि चाची की है आज किटी यहाँ पे, तो माँ और मतलब चाची आ रही है माँ को लेने के लिए, तो माँ और चाची जाने वाले हैं किटी में, और मैं माँ को फटाफट से रेडी करा देती हूँ। माँ हुई नहीं है अभी रेडी और चाची आ गई है ऑलमोस्ट, तो फटाफट से माँ को रेडी करवाते हैं और उसके बाद जाएंगी माँ। छुट्टियाँ तो बंदी हुई है इसकी, पगलू हो गया एकदम आते ही इसको डुल्ला चाची करेगी मेकओवर, गेट खुला हुआ था ये रेडी, मां ने लेट कर दिया, चाची बिल्कुल रेडी होके आई है एकदम। अरे वो भागवत के चक्कर में, भागवत हो रही है, अरे मधुबा में जा रही है, अरे यहीं पे हुई थी, पता है ना चाची जा रही है, जो तो जाने वाले मेरे मेरे पीछे भी तो नहीं आ रही, आपके सामने तो मेरे पीछे वैसे भी नहीं आता ये। जल्दी जा, आ जा जा भाभी के पास जा, चलो दोनों लोग बाय बाय टाटा। अरे तो अभी चाची और माँ चले गए हैं किटी पार्टी में, और वो आएंगे अब थोड़ी देर बाद। डुल्ला मैं और भैया हैं घर पे, डुल्ला चलो अंदर, तब करते हैं थोड़ा रेस्ट। रेस्ट क्या, मेरे को तो काम है, मैं तो बढ़ जा रही हूँ रील बनाने के लिए, शॉर्ट्स बनाने काफ़ी सारे, तो मैं तो चली ऊपर। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे बनानी है कुछ शॉर्ट्स, कुछ रील, और मतलब कोलैब के लिए, तो मुझे काम करना है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था मेरी तबीयत की वजह से, बट अब मैं बनाती हूँ। और तो मैं अभी भी बहुत थकान थकान फील कर रही हूँ, हो सकता है तो अभी एकदम से ऊपर आई हूँ ना, तो इस वजह से भी हो सकता है। और मैंने माँ वाले फ्लावर्स वहाँ लगा दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। मुझे ना कुछ रूम के लिए लैम्प भी ऑर्डर करनी है, बट इतना टाइम हो गया ना, मैं कर ही नहीं पा रही क्योंकि तबीयत की वजह से, और मतलब मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, मैं थक के सो जाती थी, बट अब मैं सोच रही हूँ आज मुझे कुछ टाइम मिला तो मैं ज़रूर आज लैम्प या कुछ ऐसा ऑर्डर करूँगी। प्लांट्स भी चाहिए मुझे, तो वो भी मैं ऑर्डर करूँगी। आप कमेंट्स में ना मेरे को बता सकते हैं कि रूम में कौन से प्लांट्स रख सकते हैं जो अच्छे रहें, तो मैं वही जाके लेके आ जाऊँगी फिर वो प्लांट, मेरे को ना प्लांट्स थोड़े पसंद हैं तो वो रखना शुरू करूँगी मैं रूम में। तो आप प्लीज़ ना मेरे को कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता है ऑपुलेंस कौन से होते हैं, क्या है, क्यों कौन से रखने होते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि कौन से प्लांट्स मैं रूम में रख सकती हूँ। मैं चलती पहले नीचे, क्योंकि डैडी आ गए हैं, तो डैडी के लिए चाय बना देती क्योंकि भैया सो रहे हैं, तो इतने हम चलते हैं नीचे।
रेडी करने वाले हैं चाय, डेरी ने मंगवाई है मेरे लिए इमरती। तो रेडी कह रहे हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए शिकारपुरिया से इमरती मंगवाई है, तो वो खा लेना। तो मैंने कहा डैडी थैंक यू। तो डैडी मैं चाय बना दूँ डैडी के लिए, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। डैडी की चाय ऑलमोस्ट पक गई है अच्छे से, क्योंकि डैडी को ना डार्क चाय पसंद है। और जब फीकी लेते हैं और डार्क पसंद है उनको, तो मैंने वैसे बना दी है। और अब डैडी का थोड़ा सा नाश्ता देते हैं ताकि अच्छा लगे उनको चाय के साथ। बस हो भी गया ये डैडी का थोड़ा सा नाश्ता। डैडी को कुछ मीठा लेना पसंद है, तो फिर मैंने थोड़ा सा ये नाश्ता और चाय दे देती हूँ डैडी को। हम चलते हैं ऊपर। डैडी को मैंने चाय नाश्ता दे दिया है, उनसे पूछ भी लिया है कुछ और तो नहीं चाहिए। अब मैं चलती हूँ ऊपर, क्योंकि मैंने अपनी रील नहीं बनाई है। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं थोड़ी देर फ़ोन चार्ज कर रही थी, बट अभी दोबारा करूँगी क्योंकि अभी स्टिल फ़ोन चार्ज नहीं है मेरा। तो फ़ोन चार्ज करने के बाद मैं इतने प्रेप कर लेती हूँ सारी चीज़ें, फिर हम बनाएंगे अपनी रील्स। तो मेरे एक शॉर्ट पर ना एक कॉमेंट आया है, वो शॉर्ट मैं ऐड करना मतलब मेंशन करूँगी कमेंट्स के थ्रू, पिन कर दूँगी कि किस शॉर्ट्स पर। तो नाम नहीं लूँगी किसने क्या कहा, बट उन्होंने लिखा मेरे को कि डू नॉट गिव सच मेडिकल इन्फॉर्मेशन अंटिल अनलेस यू आर अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट, सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है मैं नहीं हूँ सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बट आई एम अ मदर टू बी मदर, क्योंकि मदरहुड मैं समझ पा रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी रील पे मैंने मेडिकल इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो मैंने वो दी क्या है आपने सुना। मैंने ये कहा कि थर्ड ट्राइमेस्टर से सभी को प्रेग्नेंट जो वुमेन है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को अपना हीमोग्लोबिन पे चेक रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब बच्चे के टिश्यूज और सारी चीज़ें बनती हैं तो उसमें ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। इसमें कुछ गलत तो मैंने कहा नहीं, और इसमें कोई मेडिकल अप्रूवल तो चाहिए नहीं, ठीक है। और मेरे को ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने बताई, मेरी डाइटिशियन, मेरे डॉक्टर सबसे कंसल्ट करके। तो मैं एक वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ जिससे जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको मतलब केयर सारी चीज़ें वो अपनी समझ पाएं, कि मैं उनको सजेस्ट कर रही हूँ ये चीज़ें कि वो ध्यान रखें, ठीक है, आउट ऑफ केयर अफेक्शन, कि हाँ मेरे को जो दिक्कत हुई उनको ना हो। तो ये मैंने कोई गलत चीज़ तो बताई नहीं है कि इसमें मुझे मेडिकल अप्रूवल चाहिए होगा या सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ मैं या कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत से हमारे बड़े बताते हैं, हमें समझाते हैं, हम वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मेरे को गाइड किया कि मेरे को खून कैसे बढ़ाना चाहिए और ये सब चीज़ें, तो वो लोग गलत हैं। मतलब अगर वो मेरे को गाइड कर रहे हैं तो उनको भी सर्टिफाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर या हेल्थ प्रोवाइडर होना चाहिए आपकी कॉमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि अगर वो मेरे को गाइड कर रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ ऐसे लोगों को कि क्यों ऐसे कॉमेंट्स करते हो आप, मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि मैंने ऐसा तो कुछ उसमें बोला नहीं है कि जो मैंने गलत बोला हो या जो चीज़ सही नहीं हो। मैंने ये कहा क्योंकि हीमोग्लोबिन पे चेक रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने नहीं रखा वो चेक, ठीक है। अगर मैं शुरू से अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने का कोशिश रखती तो मेरा हीमोग्लोबिन आज इतना कम नहीं होता। तो मैं उसी हिसाब से डाइट प्लान करती जो कि मेरे को अभी 15 दिन में करनी पड़ रही है, तो अपना खून बढ़ाने के लिए। तो मैंने इसमें कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है। अगर आप आके कॉमेंट्स करेंगे तो यू कैन हैव अ वर्ड टू वर्ड शूट विद मी, ओके, आई एम हेयर टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू विथ यू पीपल। अगर वो मैं सबसे तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो लोग इक्के दुक्के ही होते हैं, और उस पर लाइक करने के लिए आ जाएंगे 10-12-15 लोग, फिर नीचे लिख देते हैं अग्री अग्री अग्री। सो दिस इज वेरी रूथलेस, यू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत अजीब ही है। इतने गूफी कॉमेंट्स करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। मतलब मैंने ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं बनाया रील या कोई भी चीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, और एक प्रेगनेंट वुमेन ना सारी चीज़ें फेस करते हुए आ रही है, तो मैंने कोई भी चीज़ आज तक ऐसी नहीं बताई जो कि गलत हो या प्रेग्नेंट वुमेन को कॉमनली नहीं करनी चाहिए हो, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं ये। तो मैं किसी को गाइड कर रही हूँ तो आउट ऑफ केयर, कि उन लोगों को दिक्कत ना हो, वो लोग परेशान ना हो जिस तरह मैं परेशान हो रही हूँ। बट कोई नहीं, आप लोगों के कॉमेंट्स करने की आदत है, इस तरह से आप करते रहिए, एंड आई एम हेयर टू रिप्लाई बैक टू यू, सो इट्स ओके। तो अभी कर रही थी मैं अपना शूट, सामान ऐसी फैला हुआ है सारा, और मेरे को हो गया बहुत ज़्यादा थकान, क्योंकि मेरे को हो रहा है थोड़ा थोड़ा सर में दर्द। खाना मैंने खा ही लिया, पानी भी पी रही हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है ना टायर्डनेस,
इतना ना बोल बोल के दोबारा दोबारा सारे शॉट लेना, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। एक होता है ना कि कोई हो तो बना रहा हो तो तुरंत तुरंत बन जाती है, बट इसमें क्या होता है आपको, क्योंकि बैक कैमरा से बनाती हूँ तो बैक कैमरा से क्लैरिटी ज़्यादा आती है, तो मेरे को खुद बार बार आगे आके देखना पड़ता है कि शॉट सही आया या नहीं आया। फिर मेरे को कम से कम 6-8 बार ही तो रिपीट करना होता है कि हाँ ठीक है, एंगल सही है या नहीं है, या वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है, या कुछ रह तो नहीं गया। बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है सारी चीज़ें मैनेज करना सच में, बट कोई नहीं, मैं करूँगी। आज पूरे दिन में मैंने इतने आउटफिट चेंज कर लिए, पहले मैंने ब्लू, फिर पिंक, फिर कुछ और, फिर रेड, फिर ये, मतलब सोच रहे हो कितने बार मेरे को तो आउटफिट और ये सारी चीज़ें भी चेंज करनी होती हैं। हे प्रभु गिव मी स्ट्रेंथ। शूट मेरा हो गया, एक और करना था बट अभी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, तो मैं सोच रही हूँ कल देखूँगी, पूजा करने चलते हैं, क्योंकि 7:15 हो गए अब, करते 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 शूट इतना टाइम हो गया मेरे को। बिंदी ये प्रभु, तो मैं सोच रही हूँ केड़ी ना लगा लियो, कोई बात नहीं बाद में चेक कर लूँगी, अब चलते हैं। सारा सामान ऐसे फैला हुआ है, अभी थोड़ी देर माँ के करूँगी, पर नहीं चलती हूँ माँ के पास थोड़ी देर। दोस्तों लाइट आ नहीं रही है और मौसम हो रहा है बारिश वाला, बारिश पड़ेगी 100% क्योंकि बादल गरज रहे हैं बहुत तेज के, तो भी चलते हैं पूजा करने। हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। दोस्तों हम आ गए ऊपर खाना वाना खा के और माँ लेके आई है, आज ही मेरा दिन का 6th आउटफिट होगा कम से कम। तो माँ लेके आई है मेरे लिए ये एक बढ़िया सा गाउन जो मैं बाद में भी यूज़ कर सकती हूँ, सो दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो आपको दिखाती हूँ। तो ये है जो माँ लेके आई है, ये पूरा गाउन है, इसमें टी शर्ट है, ये बाद में भी यूज़ हो सकता है फीडिंग के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये आर्टिकल, थैंक यू माँ। तो जी अब है हमारी सोने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, व्लॉग मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया है, तो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।